एनडीए की नई सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ कृषि मंत्रालय बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व का भी निर्वहन करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सेंट्रल मिनिस्टर बनते ही बीजेपी के सीनियर नेता ने गृह राज्य मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दिया है। उन्होंने सरकारी खजाना खोला। इस मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 44 असंबद्ध ग्रामीण बसावट को लेकर इसका फैसला का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो। उन्होंने आगे कहा कि इसी संकल्प ग्रामीण विकास को पूरा करने के लिए केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक हुई। मीटिंग में पीएम जन मन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 150.72 करोड़ की लागत से सड़कों को स्वीकृति दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुताबिक निर्णय से मध्य प्रदेश के 8 जिलों की 181 किलोमीटर लंबी 40 पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।